हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कुक विद काशनी में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही इनोवेटिव रेसिपी जो आपको भी बहुत पसंद आने वाली है। आज हम बनाएंगे बचे हुए चावल से मंचूरियन। जी हाँ, बिल्कुल घरेलू सामान से आप इस टेस्टी सी रेसिपी को बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल कुक विद काशनी में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले एक बाउल में 2 कप बचे हुए चावल ले लूंगी। आप यहाँ पर फ्रेश चावल का भी यूज कर सकते हैं। फिर इसमें 2 कप बारीक कटी हुई पत्ता गोभी ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच हरी मिर्च और धनिया का पेस्ट, स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच ग्रीन चिली सॉस, 1 चम्मच रेड चिली सॉस और 2 चम्मच सोया सॉस ऐड कर लेंगे। इसमें आप सॉस कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। चावल को मैश करते हुए इन सभी चीज़ों को मिला लें। ये बचे हुए चावल से बनने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है। हमें मिश्रण को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि बॉल्स बनाते समय कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसमें 5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से मंचूरियन में बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। कॉर्नफ्लोर को भी आप इसमें अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स हो जाने पर इसमें मैं थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करूंगी और उसे भी मिला लेंगे। तो ये मंचूरियन बॉल्स का मिक्सचर रेडी है। अब इससे थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर इसके बॉल्स बना लेंगे। यहाँ मैं छोटे साइज के ही बॉल्स बना रही हूँ। अगर आपको बाइंडिंग कम लगे तो आप और कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इस मिक्सचर की बाइंडिंग एकदम सही है तो ये बॉल्स एकदम आसानी से बन जा रहे हैं। आप थोड़ा पोर्शन लेकर दोनों हाथों के बीच में रखकर गोल करते हुए बॉल्स बना लें। यहाँ पर मैंने सभी मंचूरियन बॉल्स को बना लिया है। अब इन्हें फ्राई कर लेंगे। तेल को आप बहुत अच्छी तरह से गरम कर लें। जब तेल अच्छी तरह से गरम हो तब एक एक करके इसमें हम मंचूरियन बॉल्स डाल लेंगे। आप एक बार में बहुत सारे बॉल्स ना डालें और इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करें। फ्राई होते हुए इनका कलर चेंज होने लगेगा और साथ ही ये क्रिस्पी भी हो जाएंगे। तो बस 2 से 3 मिनट इसे आप हाई फ्लेम पर फ्राई कर लें। अब ये मंचूरियन बॉल्स फ्राई हो चुके हैं, इन्हें मैं बाहर निकाल लूंगी। नेक्स्ट हम मंचूरियन के लिए सॉस बना लेंगे। तो एक कढ़ाई में आप 1 से 2 चम्मच तेल ले लें और 1/2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर लें और उसे चलाते हुए 30 सेकेंड के लिए भून लें। अदरक लहसुन के भून जाने पर इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई पत्ता गोभी ऐड कर दें, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा प्याज, इन्हें भी आप हल्का सा सॉटे कर लें। गैस की फ्लेम को आप मीडियम पर ही रखें। इसका हल्का ब्राउन कलर आने तक के इसे भून लेना है। भुन जाने पर इसमें 2 चम्मच सोया सॉस, 2 टीस्पून टोमेटो केचप और 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस डाल लेंगे। इन सभी को भी मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को आप लो कर लें। सॉस अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। इसे भी आप चलाते हुए मिक्स कर लें। मिक्स हो जाने पर इसमें मैं 1/2 कप पानी ऐड कर रही हूँ।
आज मैं ड्राई मंचूरियन बना रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही पानी ऐड किया है। पानी में हल्का उबाल आने दें, फिर इसमें कॉर्नफ्लोर की पेस्ट ऐड करेंगे, जिसे मैंने एक चम्मच कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी डालकर बनाया है। इसे ऐड करने से सॉस में अच्छी थिकनेस आ जाएगी। इसे भी आप मिक्स कर लें और इसके हल्का गाढ़ा होने तक के पका लें। तो यहाँ पर सॉस काफ़ी थिक हो चुकी है और ये तैयार है। अब इसमें फ्राई किए हुए मंचूरियन बॉल्स को ऐड करेंगे और उन्हें भी चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे सॉस उन पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। यहाँ पर ये मिक्स हो चुके हैं। अब इस पर मैं थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर रही हूँ, इसे भी आप मिला लें। तो ये लीजिए, गर्मा गर्म राइस मंचूरियन बनकर तैयार है। थी ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी रेसिपी, और इसे देखकर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि इसे हमने बचे हुए चावल से बनाया है। तो आप भी इस टेम्पटिंग सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।